प्रथम तहलका न्यूज। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पांचवी बार हरिद्वार विधानसभा से चुनाव जीते हैं और अपनी जीत की खुशी में मदन कौशिक ने जन आभार यात्रा निकाली। आर्य चौक से शुरू हुई इस यात्रा का हर की पौड़ी पर समापन हुआ। रास्ते में जगह जगह फूल मालाओं और मिठाइयों के साथ उनका स्वागत किया गया। हर की पौड़ी पहुँच कर प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक ने गंगा पूजन कर माँ गंगा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि जनता ने उन्हें पांचवी बार भारी मतों से जिताकर अपना आशीर्वाद दिया है और इसीलिए जन आभार यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर उन्होंने हरिद्वार की जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दावेदारी के सवाल पर मदन कौशिक ने चुप्पी साधी। वहीं पंजाबी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे मदन कौशिक का स्वागत किया। पंजाबी समाज के वरिष्ठ नेता जगदीश पहावा ने कहा कि पंजाबी समाज मदन कौशिक का है और मदन कौशिक जो है वो पंजाबी समाज के हैं, इसीलिए हम मदन कौशिक को उत्तराखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जनता का आज आभार व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। हर बार पंजाबी समाज ने पूरे जी जान से मदन कौशिक को जिताने का प्रयास किया है और मदन कौशिक ने आज आभार रैली निकाली है। बढ़ चढ़कर जगह जगह पंजाबी समाज ही स्वागत कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी विजय है। और मदन कौशिक जी को हम मुख्यमंत्री के रूप में या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाह रहे। आज उनका स्वागत किया आपने, काफ़ी तादाद में रोड शो भी निकाला जा रहा है, इतनी बड़ी उपलब्धि है हरिद्वार के लिए, और क्या मांग करते हैं आप, क्या होना चाहिए? मदन कौशिक एक विजनरी नेता हैं, पांचवी बार विजय होके आ रहे हैं, उनके पास विजन है, उनके पास एक मिशन है और वो भारतीय जनता पार्टी के एक जुझारू कर्मठ और सोच रखने वाले नेता हैं। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।